छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को गौठानों के माध्यम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सोचने का काम किया है। ये गौठान में इतने सारे कार्य किए जाते हैं, महिला समूह को चाहे रोजगार देना हो, युवाओं को रीपा के माध्यम रोजगार देना हो, सबसे बड़ी बात गौ माता की सेवा की जाती है आज। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल से केवल गौ माता के नाम पर वोट मांगने का काम किया है, कुछ भी नहीं किया है, वो लोग आज गौठानों का विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में यूथ कांग्रेस जो है प्रदेश भर में मेरा गौठान मेरा अभियान की शुरुआत कर रही है। हम उसमें शुरुआत में हम गोकुल नगर गौठान में आए हैं। बताना चाहता हूँ, मैं देख के आश्चर्य हूँ कि गायों का अस्पताल है ये, जहाँ पर गायों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर कोई गाय घायल हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाती है, तो वेटनरी डॉक्टर यहाँ मौजूद रहते हैं, हर दिन आते हैं और गायों का इलाज करते हैं, देखते हैं। तो इतनी सुख सुविधा युक्त चारा यहाँ पर है। केवल झूठ का पुलिंदा सामने आ चुका है। ब्रह्मोहन अग्रवाल जी जो यहाँ पर आए थे, और जब यहाँ पर आए तो देखे सब सर्व सुविधा युक्त है, यहाँ का वीडियो नहीं बनाया वो। कुछ इस प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा गौठान है, कहीं कहीं कुछ असुविधा रहती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि योजना विफल है। पूरे प्रदेश में इतने सारे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रीपा के माध्यम रोजगार मिल रहा है। ऐसी गोबर की खरीदी जो सोच भी नहीं सकता, इनके खुद के नेता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी तारीख पर चुके हैं और इस योजनाओं को अपने प्रदेश में लाभ को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी हम यहाँ पहुँचे हैं और जमीनी स्थिति ग्राउंड जीरो आप लोगों के माध्यम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भूपेश बघेल की जो गौठान योजना है एक बहुत ही सफल योजना है, जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। ये 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। बिना तथ्यों के कभी PSC में बोल देना कि घोटाला हुआ है, कभी इसमें घोटाला हुआ है, तथ्य सामने लाया। 9,000 से ज़्यादा गौठान इस प्रदेश से बने हैं, आपके सामने हैं। ये आप जहाँ खड़े हैं ये गायों का अस्पताल है, जहाँ पर गाय अगर बीमार पड़ती है, कोई बाहर एक्सीडेंट हो जाता है तो इलाज किया जाता गौठान। इस भारतीय जनता पार्टी की जब अभियान से कुछ हुआ है तो जो गौठान समिति के लोग हैं, जो महिला समूह के लोग हैं, उनका उत्साह में कमी आई है, वो दुखी हुए हैं। वो लोग हम प्रदेश भर से फोन कर रहे हैं कि हम लोग इतनी सेवा भावना से काम कर रहे हैं, बिना कोई स्वार्थ के काम कर रहे हैं, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान से उनके उत्साह में कमी आई है। उनके उत्साहवर्धन करने के लिए यूथ कांग्रेस हर एक गौठान में जाएगी प्रदेश के, और हम महिला समूह का सम्मान करेंगे, उनके साथ श्रमदान करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ चारा पानी की कोई कमी नहीं है, चारा पानी दवाइयाँ सब भरपूर मात्रा में। मान लो कोई गाय वालों भी मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर